इंडिया के अंदर आप सबको मालूम होगा आईफोन्स की क्या प्राइसिंग है। अगर मैं बात करूं आईफोन 13 की तो उसका प्राइस है 80,000 रुपीस। आपको एप्पल की 12 मंथ्स की वारंटीज पे आपको मिल जाती है, एकदम ब्रांड न्यू और सील बॉक्स होता है। लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट ने आपने देखा होगा आपको उसके ऊपर वारंटी भी मिलती है और वो फोन जो है सील बॉक्स भी होता है, बट उसका प्राइस होता है 75,000 रुपीस, इवन उसका प्राइस होता है 65,000 रुपीस। तो आपके मन में जो है जरूर डाउट आता है कि ये जो है कौन सा आईफोन है। तो ये आईफोन जो है रिफर्बिश आईफोन होते हैं। रिफर्बिश आईफोन के बारे में आपने जो है सुना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफर्बिश आईफोन होते क्या है, क्या इनको बाय करना सही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर एप्पल की वारंटी भी होती है कुछ आईफोन के ऊपर, और ये ब्रांड न्यू भी होते हैं, कुछ कुछ पे जो है वारंटी नहीं होती, बट वो जो है एकदम ब्रांड न्यू होते। तो एक्चुअल में क्या है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, आईफोन से रिलेटेड कंटेंट देखना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऑलराइट गाइस, बेसिकली रिफर्बिश आईफोन दोस्तों एप्पल खुद ऑफिशियली बेचता है। पहले बात बात कर लेते हैं रिफर्बिश आईफोन होते क्या है। देखिए बेसिकली ये जो एक यूज्ड आईफोन ही होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मेरी जो मैं बात बता देता हूँ, अगर मैंने जो है रिसेंटली कोई आईफोन 13 बाय किया है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ एप्पल के स्टोर पे जाता हूँ, वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम बताता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं मेरा जो आईफोन है वो ले लेते और न्यू आईफोन मेरे को जो है रिप्लेस करके दे देते। तो उसी आईफोन को जो आपने उनको आईफोन दिया है वही आईफोन में जो भी इसकी जो पार्ट्स खराब थे उसको धूप पॉलिश करके मतलब अच्छी तरीके से इसको जो है उसके जो पार्ट रिप्लेस करते हैं और मार्केट में जो इसको बेचते हैं। इंडिया के अंदर तो एप्पल खुद जो है ऑफिशियली नहीं बेचता है, यूएसए वगैरह के अंदर एप्पल जो है ऑफिशियली रिफर्बिश आईफोन जो है बेचता है। तो वहां से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप रिफर्बिश आईफोन यूएसए वगैरह से लेते हैं, एप्पल वहां पे ऑफिशियली बेचता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पे काफी सारे ऐसे वेबसाइट है, टू गुड हो गया या अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये भी जो है रिफर्बिश आईफोन बेचते हैं। ये भी जो है यूज आईफोन ही होती है, इसके अंदर कोई पार्ट खराब हो गया तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, फिर बाद में उसको रिफर्बिश के नाम पे जो है बेचते हैं। रिफर्बिश कैसे बचाना है, ये इसका एक इजी मेथड है। उस आईफोन के आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जनरल में जाइए, अबाउट में जाइए, वहां पे मॉडल नंबर चेक करना, मॉडल नंबर अगर जो है एफ से स्टार्ट होता है तो समझ लीजिए वो जो है रिफर्बिश आईफोन है। तो देखिए अगर इंडिया की मैं बात करूं तो यहां पे मेरे को जो है नहीं लगता कि आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि जो पार्ट वो रिप्लेस कर रहे हैं वो जो है ओरिजिनल है या नहीं ये आपको कैसे पता। अगर आपको पता है, आपको फाइंड आउट करने आता है पार्ट्स वगैरह, तो देन जो है आप बाय कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों काफ़ी सारे लोग को जो पता नहीं होता है किस तरीके से जो आईफोन को चेक किया जाता है। अगर आप वहां से लेते हैं और उसका जो पार्ट है वो ओरिजिनल नहीं है, अगर आपको बाद में पता चलता है तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है बैड फील होगा, आपको लगेगा क्यों क्यों जो है मैंने रिफर्बिश बाय किया, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देके मैं जो है ब्रांड न्यू बाय क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे दोस्तों रिफर्बिश आईफोन का मतलब ये होता है, बेसिकली ये यूज आईफोन ही होते हैं। इस मोड को आप बाय कर सकते हैं अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट हो, अगर एप्पल ऑफिशियली बेचता तब उसको बाय करेंगे, बट इंडिया में अभी तो नहीं है। लेकिन आने वाले समय में एप्पल का खुद का स्टोर आने वाला है तो रिफर्बिश आईफोन भी एप्पल बेचेगा, उस टाइम पे जो हम बात करेंगे। लेकिन जिसको नहीं पता था रिफर्बिश आईफोन क्या होते उनको पता चल गया है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं मैं अलग से वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे ट्रस्टेड वेबसाइट से हम जो है रिफर्बिश आईफोन बाय कर सकते हैं तो उसके ऊपर मुझे कमेंट करना। कुछ ऐसे वेबसाइट और जो ट्रस्टेड वेबसाइट है जहाँ पे रिफर्बिश आईफोन भी मिलते हैं, वारंटी भी होती है उस फोन के ऊपर और वो ब्रांड न्यू कंडीशन के भी होते हैं, और कुछ कुछ पे जो वारंटी नहीं भी होती है लेकिन वो कंडीशन उसकी जो एकदम परफेक्ट होती है और काफ़ी कम प्राइस में मिलते हैं आपको अगर आप जो है मार्केट से कंपेयर करते हैं। तो अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, इसके ऊपर मैं जो अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।